विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने कासगंज दंगों के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर साध्वी प्राची ने परिवार को संतावना देते हुए चंदन को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान साध्वी प्राची ने यूपी पुलिस की भी जमकर आलोचना की और साध्वी ने चंदन की मौत के लिए यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। साध्वी प्राची ने कहा कि प्रशासन में अब भी सपा बसपा के लोग मौजूद हैं। मैं प्रशासन के रवैये से बेहद दुखी हूं। प्रशासन के जो कीटाणु हैं अभी भी वो समाजवादी पार्टी के बसपा के कीटाणु हैं। जो लोग मेरे साथ थे वो तिरंगा झंडा ले रहे थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। जैसे ही वो तिरंगा लेकर के चले तो पुलिस वालों ने तुरंत उनके पीछे दौड़ करके उन्हें उनके झंडे छीनने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। इन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं कि जो जेहादी है, जो देशद्रोही है, जो आतंकवादी है, उनको पकड़ करके दिखाई। साध्वी प्राची क्या इनको आतंकवादी दिखाई दिए? प्रशासन होश में आ जाए। हिंदुओं के टैक्स से वो नौकरी पाते हैं और हिंदुओं के साथ इस तरह का भी है कि तिरंगा भी उनके हाथ से छीनेंगे ये? हाँ जी। देखिए, चंदन गुप्ता हमारे बीच से आज के दिन तिरंगा झंडा लेकर के कासगंज के अंदर जो गणतंत्र दिवस मना रहे थे, कहते प्रतिवर्ष वो मनाते थे और उनके दिल में एक जज्बा था देश के लिए, देशभक्ति थी। आज के दिन कुछ दुष्टों ने योजनाबद्ध तरीके से उसको गोली मार करके उसकी हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि 2017 में 26 जनवरी को कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान काफी उपद्रव हुआ था। इस हिंसा में चंदन गुप्ता नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे देखते हुए इस बार कासगंज प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कासगंज से विवेक रॉय की रिपोर्ट।